नमस्कार, इंस्पायरिंग बरकत चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको सुनाएंगे एक राजा और औरत के त्रिया चरित्र की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा था। उसका राज्य बहुत बड़ा था और राज्य में चारों तरफ खुशहाली थी। राजा के एक ही राजकुमार था जिसे उसने बड़े नाजों से पाला था। राजा ने अपने राजकुमार की शादी कर दी थी क्योंकि राजकुमार 12 वर्ष की आयु में ही राजकुमार का विवाह हो गया था। राजा की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी, इसलिए राजकुमार के लिए जो नए नए रिश्ते आते थे। पहले एक राजा कई की रानियां रखता था, इसलिए राजा बूढ़ा हो चला था। उसने राजा राजकुमार को अपना राजगद्दी सौंप दी थी और राजकुमार ने अब तक 7 शादियां की थी क्योंकि राजकुमार का विवाह जल्दी हो गया था, इसलिए वो अभी भी शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाता था। एक दिन राजकुमार शिक्षा ग्रहण करने के लिए जा रहा था तो रास्ते में उसे एक पनिहारी की लड़की मिली। वो उससे पूछने लगी, राजकुमार आप रोज कहाँ जाते हो? तो राजकुमार, जो कि अब राजा भी था, उसने कहा कि मैं पढ़ने जाता हूँ। तो पनिहारी ने कहा, आप क्या पढ़ते हो? तो राजकुमार ने कहा, उसे सब बताया जो उसके गुरु उसे शिक्षा देते हैं। तब पनिहारी की लड़की बोली, क्या आपने त्रिया चरित्र पढ़ा है? राजकुमार ने नामे सिर हिलाया तो पनिहारी की लड़की हंसते हुए बोली, क्या फायदा ये सब पढ़ने का जब तुम यही नहीं पढ़ पाई? राजकुमार को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो तो अभी तक ये क्यों नहीं पढ़ा उसने, और उसे गुस्सा भी आया कि उसके गुरुजी ने अभी तक उसे क्यों नहीं पढ़ाया। राजकुमार सीधा अपने गुरु के पास गया और अपना जो गुरु जी के चरणों में अपना सिर पटक दिया। अब कोई और होता तो गुरु जी उसको पीट पीट कर अधमरा कर देते, पर वह ठहरा राजा का लड़का। गुरुदेव भी कुछ नहीं बोल पाए। गुरु जी प्यार से बोले, क्या हुआ राजकुमार, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? तो राजकुमार ने गुस्से में कहा, गुरुदेव आपने हमें अब तक त्रिया चरित्र क्यों नहीं पढ़ाया? गुरुदेव बोले, क्योंकि इसमें बहुत खतरा है, इसमें आपकी जान भी जा सकती है। तो राजकुमार कहने लगा, आप इसकी चिंता ना करें, मैं सब देख लूंगा, आप मुझे बस पढ़ाइए, मुझे पढ़ना है। अब गुरुजी उन्हें कैसे मना कर सकते थे? वे बोले, ठीक है, और कहने लगे। राजकुमार को राजकुमार भी मन लगाकर पढ़ने लगा। पूरे 1 साल बाद राजकुमार से गुरुजी बोले, अब आपकी पढ़ाई पूरी हो गई है, अब आप जा सकते हैं। और साथ ही उन्होंने एक गुटका दिया और कहा, इसे आप रात को 12 बजे गांव के पूर्व दिशा में इसे अपने कान में लगाकर खड़े हो जाइएगा। आपका ऐसा करने से आपको कोई नहीं पहचान पाएगा, परंतु आप सबको पहचान सकोगे। राजकुमार घर आया। खाना खाने के बाद जब सब सो गए, रात को 12 बजे, तो उसने अपने राज्य की पूर्व दिशा में जाकर गुटके को कान में लगाकर खड़ा हो गया। थोड़ी देर खड़ा रहने पर उसने देखा कि एक पनिहारी की लड़की जिसने उनसे ये सब पढ़ने को कहा था, वो एक बड़ी सी थाली में बहुत सारा भोजन भरकर मंदिर की तरफ जा रही है। राजा का लड़का भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। वो लड़की मंदिर के निकट बनी हुई एक कुटिया में चली गई। राजा का लड़का जो चुपके से उसे देखने के लिए कि यह क्या कर रही है, तो वह भी उसके पीछे उस कुटिया में देखने लगा तो उसने देखा, कुटिया के अंदर एक साधु बैठा हुआ है। उसे देखते ही साधु गुस्से में बोला, तुमने आने में इतनी देर क्यों लगाई? लड़की बोली, क्या करूं साधु महाराज, मेरा गौना होने वाला है, मेरा पति मुझे लेने आया है।
अपने पति को सुलाने के बाद मैं आपके पास आई हूँ, इसलिए मुझे देर हो गई। इतना सुनते ही साधु ने उसकी खाने की थाली को एक तरफ फेंकते हुए कहा, जब तुझे उसके साथ रहना है तो मेरे पास क्यों आई है? तो वो लड़की बोली, नहीं साधु महाराज, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। जो भी हैं, बस आप ही हैं मेरे तो। उसकी बात सुनकर साधु ने कहा, ठीक है, यदि तू चाहती है मैं तेरी बात पर विश्वास कर लूं तो ये ले चाकू और जा अपने पति का सर धड़ से अलग करके ले। लड़की बिना कुछ सोचे समझे उस चाकू को लेकर अपने घर आ गई और सोते हुए पति का गला काटकर उसे मार दिया और उसका सर लेकर साधु के पास पहुंच गई। साधु ने जैसे ही देखा तो उसने उस लड़की को धक्के मारकर अपनी कुटिया से बाहर निकाल दिया और बोला, जो औरत सात फेरे लेने के बाद अपने पति की नहीं हुई वह मेरी क्या होगी? यहाँ से भाग जाओ और अपना चेहरा कभी मत दिखाना। अब मरता क्या ना करता। वो लड़की अपने पति का सर लेकर वापस अपने घर आई और उसके धड़ से सर को जोड़कर रख दिया। सुबह उठकर जोर जोर से रोने और विलाप करने लगी, पता नहीं कौन मेरे पति को मार गया, पता नहीं मेरे पति को किसने मार डाला। जब लोग उसके पति को ले जाने लगे तो वो कहने लगी कि मैं तो अपने पति के साथ हूँ, सती हो जाऊंगी, इनके अलावा तो मेरे जीवन का कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया, इनके बिना मेरा क्या होगा। ये सुनते ही राजकुमार को जोर से हंसी आ गई और वो हंसते हुए बोला, त्रिया चरित्र जाने न कोई खसम मार के सती हुई। ये बात वहाँ किसी की समझ में नहीं आई पर पनिहारी की लड़की की समझ में आ गई और वह राजकुमार से बोली कि राजकुमार, तुम मुझे ही बोल रहे हो ना, जहाँ तो मेरी भी एक बात याद रखना, तुम जहाँ भी जाओ, जहाँ भी जाओ वहाँ पर चटाई को झाड़कर बैठना। राजकुमार मन में सोचने लगा, मैं तो एक राजकुमार हूँ और राजा हूँ, मुझे चटाई पर बैठने की क्या आवश्यकता है। वो उस पर हंसते हुए अपने घर चला गया। अगले दिन फिर राजा का लड़का उस गुटके को कान में लगाकर उसी चौराहे पर खड़ा हो गया तो उसने देखा कि उसकी सातों पत्नियां अपने हाथ में खाने से भरी हुई थालियां लेकर उसी कुटिया की तरफ जा रही हैं जिसमें वह साधु रह रहा था जो राजकुमार था। उसका चेहरा गुटके के कारण बदल गया था, इसलिए उसे कोई पहचान नहीं पाया। उसे चौराहे पर खड़ा देखकर वो बोली, रानी की लड़का जरा इधर थोड़ा सा ये थालियां उस कुटिया तक पहुंचवा दे। राजकुमार ने बिना कुछ कहे जैसा रानी ने कहा वैसा ही किया। वो उसी साधु के पास गई और साधु ने कहा, साधु से कहने लगी कि इस लड़के ने हमारी मदद की है, इसलिए इसको आज रात यहीं रहने की व्यवस्था कर दीजिए। साधु ने अपने एक चेले को इशारा किया और वह राजकुमार को लेकर एक कमरे में गया जहां सिर्फ एक चटाई बिछी हुई थी। चटाई पर बैठने ही वाला था कि उसे उस पनिहारी की लड़की की बात याद आ गई। याद आते ही राजकुमार ने सोचा कि मैं एक राजकुमार हूँ, फिर भी आज रात यहीं रुकने के लिए मुझे एक चटाई पर सोना होगा, क्यों न एक बार उस पनिहारी की बात मान लूं? ये सोचते हुए उसने चटाई जो झाड़ने के लिए उठाई तो चटाई हटाते ही उसके होश उड़ गए क्योंकि चटाई के नीचे कुआ था। राजा ने मन ही मन उस पनिहारी का शुक्रिया अदा किया कि उसने तब कुएं में झांक कर देखा तो पाया कि उसमें बहुत से जीवित पुरुष थे। उनमें से एक ने राजा को देखते ही कहा, अरे राजकुमार, आप यहाँ कैसे आ गए? राजा बोले, मेरी छोड़ो, तुम लोग बताओ यहाँ कैसे हो? उनमें से एक ने कहा, राजा राजकुमार, अभी बात करने का समय नहीं है, तुम थोड़ी देर में तुम्हारी सातों रानियां यहां आती होंगी और तुम्हें जिंदा पाकर वे मार डालेंगे।
यहाँ से जल्दी भाग जाओ। राजकुमार वहाँ से जल्दी से भाग निकला, पर साधु ने उसे देख लिया और कहा, इसे जल्दी से पकड़ो। अगर इसने किसी को बता दिया तो मेरा तो पत्ता ही कट जाएगा। सभी रानियाँ उसके पीछे दौड़ पड़ी, लेकिन वह राजा राजकुमार को कैसे पकड़ सकती थी? पर वह रानियाँ भी हार मानने वाली नहीं थी। तभी रास्ते में एक नदी पड़ चुकी थी। राजा जो तैरना जानता था, इसलिए जल्दी से नदी में छलांग लगा दी और नदी को पार करता हुआ वह आगे निकल गया। लेकिन रानी को तो तैरना आता नहीं था, इसलिए वह इसी पार रह गई। राजा जब नदी पार करके उस पार गया तो जोर से हंसा, जिससे राजा के सोने के दांत दिखाई दे गए। अब रानियां समझ गई कि ये तो उनका पति है, इसलिए वे भागी भागी साधु के पास आई और बोली, हे साधु महाराज, वह तो हमारे पति थे, अब हम क्या करें? क्योंकि उन्होंने तो हमारा सारा राज जान लिया है। साधु बोला, परेशान मत हो, मेरे पास एक उपाय है जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। वे बोली, तो क्या है वो उपाय? तो साधु बोला, देखो, वो एक राजा है, अगर तुम लोग उसे ऐसे मार दोगी तो सब लोग तुम पर तुमको जो शक करेंगे और तुम्हें मार देंगे। इसलिए घर जाओ और उसे मनाओ और ये लो कील। जब वह मान जाए तो उसे एक कमरे में ले जाकर उसके सिर में एक कील गाड़ देना, जिससे वह भेड़ बन जाएगा। उसके बाद तुम उसे मार देना। जब कोई राजा के बारे में पूछेगा तो बता देना, वो तो पढ़ाई करने के लिए दूसरे राज्य में गया है। सभी रानियां वह जादू की लेकर राजमहल लौट आई तो राजा बड़े गुस्से में इधर उधर टहलता हुआ उनका इंतजार करता हुआ मिला। वह जैसे ही राजमहल वापस आई थी, राजा उन पर बरस पड़ा, क्या करने जाती हो तुम लोग? हुआ क्या कमी है मेरे इस महल में जो तुम लोग एक साधु के दीवानी बनी पड़ी हो? तो जो छोटी रानी थी वह राजा, क्योंकि राजा छोटी रानी से बहुत प्रेम करता था और उसे बहुत मानता था, तो वो राजा से बोली, महाराज, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। हमारी मति मारी गई थी, हमें तो उस साधु ने अपने वश में कर लिया था, अब आगे से हम कोई ऐसी गलती नहीं करेंगे। राजा ने सोचा, शायद उस साधु ने ही कोई सम्मोहन क्रिया करके इन्हें अपने वश में कर लिया होगा। राजा उसकी बात को सच मान गया और उसने रानी के साथ खाना खाया और उसके साथ कमरे में सोने के लिए चला गया। जब राजा सो रहा था तब उस छोटी रानी ने राजा के सिर में कील गाड़ दी। जैसे ही राजा के सिर में वह कील लगी, राजा भेड़ बन गया। फिर क्या था, सारी रानियां उस पर एक साथ टूट पड़ी। राजा की मार पिटाई होने लगी। अपने आप को भेड़ के रूप में घिरा देखकर और वह रानियों के आगे उसकी कुछ नहीं चल रही थी। अब उसे अपनी जान का खतरा दिखाई दे रहा था तो वो पूरे कमरे में इधर से उधर भागता, अपनी जान बचाता हुआ फिर रहा था। रानियों ने उसे चारों तरफ से घेर कर उसे मार रही थी। तभी राजा को अपने कक्ष की खिड़की दिखाई दी, जो खुली हुई थी। राजा ने जोरदार छलांग लगाई और खिड़की से कूदकर बाहर भाग गया और वह भागते हुए अपने गुरु के पास पहुंचा और बोला, अरे गुरुजी, मुझे बचा लीजिए, मेरे पीछे मेरी ही रानियां पड़ी हुई हैं, वो मुझे जान से मार देंगे। उसके गुरुजी बोले कि मेरे बस की बात नहीं है। राजा बोला, गुरुदेव, मैं आपका शिष्य हूँ और शिष्य की जान खतरे में है और आप मना कर रहे हैं, मेरी जान बचाना आपका काम है। तब गुरुदेव बोले, देखो, उस साधु के पास जादू की पोटली है जिससे वह तुम्हें कहीं भी मार सकता है।
लेकिन एक काम करके तुम बच सकते हो। मैं तुम्हें तोता बना देता हूँ। तुम सुखवाल राजा के राज्य में चले जाना। वहाँ साधु का जादू काम नहीं करता। राजा बोले, तो देर किस बात की है? आप बनाइए मुझे अभी गुरु तोता बना दीजिए। और जो गुरुदेव ने राजकुमार को तोता बना दिया। तोता उड़कर सुखवाल राजा के राज्य में चला गया। इधर रानियां दौड़ती हुई साधु के पास आई और बोली कि साधु से कि बाबा वह तो भाग गया, देखिए कहाँ है। साधु ने अपनी जादू की पोटली में देखा तो पाया वह राजा एक तोता बन गया है। साधु ने कहा वह तो तोता बन गया। रानियां बोली अब क्या करेंगे? साधु बोली बोला कि कोई कुछ नहीं होगा। कोई नहीं, ऐसा करो कि पूरे राज्य में घोषणा करवा दो, जो कोई तोता लेकर आएगा उसे 5 अशर्फी दी जाएंगी। रानियों ने वैसा ही किया। बहेलिया जंगल से तोता पकड़कर लाते और रानियां उन तोतों को एक एक करके मारने लगी। राजा जब तोता बनकर उड़ा जा रहा था तो वो एक गोंद के पेड़ पर रहने लगा। जिस पेड़ पर वह रहता था उस पर पहले से ही 15 तोता रहते थे। राजा जब वहां गया तो उन लोगों ने राजा को अपना राजा बना लिया, क्योंकि उसने बहुत सी बुद्धिमानी वाली बातें की थीं। इसलिए तोतों को लगा कि हमारा राजा बनने के लिए उपयुक्त है, इसे हमारे झुंड का सरदार बनना चाहिए। कुछ दिन बाद एक बहेलिया जो पैसों के लालच में जो रानियों ने उन्हें अशर्फियों का लालच दिया था, वह तोता पकड़ने के लिए उसी जंगल में आया। उस बहेलिये ने उस पेड़ के पास आया जिस पर वह राजा अपने साथियों के साथ रहता था। उस बहेलिये ने जब इतने सारे तोते एक पेड़ पर देखे तो बहेलिये ने सोचा कि सभी तोतों को लेकर वह रानी के पास जाएगा तो मैं तो एक ही दिन में मालामाल हो जाऊंगा। लेकिन समस्या ये थी कि उन तोता को एक साथ पकड़ना मुश्किल था, इसलिए उसने एक योजना बनाई। जब सुबह के समय सभी तोता दाना पानी की खोज में चले गए तब बहेलिया ने उसे एक पेड़ की डाली को थोड़े थोड़ी, जो हर जगह थोड़े थोड़े कट लगा दिए, जिससे गोंद पूरे पेड़ पर फैल गया। रात के समय जब सभी तोते आए और उस पर बैठे और अपने आपस में बातें करने लगे तो सभी तोतों के पैर जो उस गोंद में चिपक गए। अब क्या करें? तो राजा जो तोता बना हुआ था उसकी चिंता में पड़ गए और कहने लगे कि सरदार हमें कुछ उपाय बताइए। तब वह राजा बना। तोता बोला कि चिंता मत करो, जब बहेलिया आएगा तो तुम सब ऐसे लटक जाना जैसे मर गए हो, फिर वह हमें मरा समझकर नीचे फेंक देगा। जब सबको नीचे फेंक के एक साथ तुम सभी सब जो उड़ जाना। सभी ने कहा ठीक है। जैसे ही बहेलिया आया सभी तोता उल्टे लटक गए। बहेलिये को लगा कि एक ही जगह पूरी रात रहने से सभी तोते मर गए हैं। उसे बड़ा दुख हुआ कि एक तो पैसा भी नहीं मिला, ऊपर से तोते मरने का पाप भी लग गया। वो पेड़ पर चढ़ा और सभी तोतों को गोंद से निकालकर जो नीचे फेंकने लगा। राजा को छोड़कर जब सभी तोते नीचे आ गए तो एक साथ उड़ गए। जैसे ही वे उड़े तो उन्हें ध्यान आया कि राजा तोता तो अभी वहीं है नहीं। उनमें से कुछ ने कहा चलो उड़ते हैं, राजा को हमारी मदद की जरूरत है। कुछ ने कहा तो कुछ ने कहा कि राजा बहुत बुद्धिमान है, उन्हें कुछ नहीं होगा, सब वह अपने आप कोई उपाय निकाल लेंगे। इधर बहेलिया ने देखा कि सभी तोते तो उड़ गए तो उसे समझ आ गया कि ये सब नाटक कर रहे थे। तभी उसकी नजर उस राजा बने तोते पर पड़ी तो वो बोला कोई नहीं, इतनी मेहनत का कुछ तो फल मिलेगा। मैं इसे लेकर रानी के पास जाऊंगा।
बहेलिया उस तोते को उतारकर अपने पिंजरे में बंद कर दिया और रानी के पास ले जाने लगा। तब राजा ने कहा, अरे बहेलिया, तुम मुझे रानी के पास ले जाओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? बहेलिया खुश होते हुए बोला, 5 अशर्फियां। तो तोता बोला, मैं तुम्हें 50,000 अशर्फियां दिलवाऊंगा, अगर तुम मेरा कहना मानोगे। तब बहेलिया बोला, क्या? तोता बोला, मुझे सुग्गा राजा के बाजार में ले चलो, और अगर तुम्हें बोले तो इस तोते का दाम क्या है तो तुम बोलना, तोता अपना दाम खुद बताएगा। बहेलिया मान गया और उसे सुग्गा राजा के बाजार में ले गया। राजा सूंघा के बाजार का ये नियम था, जो भी व्यापारी अपना सामान बेचने आता वो दिन भर बेचता था और शाम को जो बच जाता था उसे राजा खरीद लेता था। शाम के समय बाजार में सभी वस्तुएं बिक गई, केवल उस तोते को छोड़कर, क्योंकि तोता अपना दाम इतना महंगा बताता कि कोई भी उसे लेने के लिए राजी नहीं हुआ। अंत में राजा के दरबारी राजा के पास आए और राजा ने उनसे बाजार का हाल पूछा तो वे दरबारी बोले, महाराज, आज बाजार में एक विचित्र तोता आया है जो अपना दाम खुद बता रहा है, उसको छोड़कर सब कुछ बिक गया है। राजा ने कहा, क्या दाम है तोते? तो दरबारी बोला, 50,000 अशर्फियां। राजा बोले, ठीक है, ले लो, वरना राज्य में ये खबर फैल जाएगी कि राजा के बाजार से सामान वापस आता है तो मेरी बदनामी होगी, परंतु उस तोते को खरीदने मैं खुद जाऊंगा। राजा रथ पर सवार होकर चल पड़ा, बहेलिया के पास पहुंचा और बोला, बताओ बहेलिया, तोते का दाम बताओ। तो बहेलिया ने तो बहेलिया के तो जो पसीने छूट गए वो हाथ जोड़कर बोला, महाराज, तोता अपना दाम खुद बताएगा। राजा ने तोते से कहा, तोता, बताओ अपना दाम। तोता बोला, 50,000 अशर्फियां। राजा बोला, राजा की काम तोता वाला जो कोई न कर सके वो मैं काम कर सकता हूँ, और मेरा इसलिए मेरी कीमत 50,000 है। मैं बड़े बड़े काम जो मिनटों में सुलझा देता हूँ। तो राजा ने तोते को लेकर राजदरबार में आ गया और उसको जो बहेलिया था 50,000 अशर्फियां दे दी। पूरे राज्य में खबर फैल गई कि राजा ने एक तोता खरीदा जो 50,000 अशर्फियों का है। तोता बड़ा ही जो चमत्कारी है। सभी राज्य दरबार राजदरबार में उसे देखने के लिए आने लगे। ये बात साधु और रानियों को भी पता चल गई। रानियां बोली कि बाबा साधु से कि अब क्या होगा? तो साधु बोला, अब एक ही उपाय है, मैं तबला बजाना सिखाता हूँ और तुम लोग नाचना सीख लो और चलो राजा के पास, उन्हें खुश करेंगे और इस तोते को जो मांग लेंगे, क्योंकि उनके राज्य में उनकी बिना इजाजत के हम तोते तक नहीं जा सकते। उन्होंने अपनी सहमति जताई और अपने काम में लग गए। जो साधु था वह तबला बजाता और रानियां नाच गाना करती। इधर जब रानी को पता चला कि दरबार में एक अद्भुत तोता आया है जो बोलता है, तो उसने उसे अपने राजमहल में देखने के लिए मंगवा लिया। रानी तोते को देख के बहुत खुश हो गई और कहा, अब ये तोता राजमहल में रहेगा। वो उसे रखने लगी, उसे खिलाना पिलाना, उसका ध्यान रखने लगी। एक दिन राजा अपने दरबार में बैठा था, तभी उसके पास 3 लड़के आए और कहा, महाराज, हमारा फैसला कीजिए। उन्होंने कहा, क्या मामला है, तो पहले पूरी बात बताओ। उन्होंने कहा, हम 3 भाई हैं, हमारे पिता की मृत्यु अभी फिलहाल हाल ही में हुई है। उन्होंने हमारी गैर मौजूदगी में अपनी जो विरासत बनाई, जिसमें उनकी संपत्ति के केवल 2 हिस्सों में बांटा है, इसमें किसी एक का नाम नहीं दिया।
बताइए क्या करें? राजा का सिर चकरा गया। करे तो क्या करे? तभी उसके मंत्री ने सलाह दी और राजा को तोते का परीक्षण करने का जोलिए बोला, क्योंकि राजा ने उसे 50,000 स्वर्ण मुद्राओं में खरीदा था और आज उसकी परीक्षा की घड़ी थी। तो उसने तुरंत ही दरबारी को बुलाया और राजमहल से तोता मंगवाया। उसे पूरी बात बताई। तोता बोला, राजा आप चिंता मत कीजिए, मैं कल सुबह आपको बता दूंगा। लेकिन उससे पहले आप इन लोगों को यही महल में अलग अलग कमरे में रहने की व्यवस्था कीजिए। राजा मान गया। रात के समय सब सो गए तो राजा उन तीनों में सबसे छोटे बेटे के पास गया और जो तोता बना हुआ था, कहने लगा कि यह क्या बैठकर सोच रहे हो? ये लो तलवार और जाओ। दोनों भाई सोए हुए हैं। उठो और मार दो। सारी की सारी संपत्ति तुम्हारी हो जाएगी। छोटा बोला, आप पागल हैं क्या? मैं थोड़ी सी संपत्ति के लिए अपने भाइयों की हत्या नहीं करूंगा। मुझे नहीं चाहिए संपत्ति। भाई रहे तो संपत्ति तो मैं खुद कमा लूंगा। तोता बोला, ठीक है सो जाओ, और चला गया। वो बीच वाले भाई के पास गया। यही बात उसने बीच वाले भाई से बोली तो उसने भी अपने भाइयों की हत्या करने से मना कर दिया। परंतु तोता जब सबसे बड़े भाई के पास जाकर यही बात कही तो वो तैयार हो गया। रात उसे रोक कर बोला, रुक जाओ, कल सुबह बात करेंगे, अभी सो जाओ। सुबह के समय सभी दरबारी दरबार भरा हुआ था। राजा तोते से बोला कि क्या फैसले की घड़ी आ गई है? किसका मन नहीं है, किसका नाम नहीं है उसमें? वसीयत में तोता बोला, राजा इसमें सबसे बड़े बेटे का नाम नहीं है। राजा बोला, मैं तुम्हारी बात कैसे मान लूं? तब तोता बोला, महाराज कल मैं इनके कमरे में गया था और यह कहकर कि तोते ने सारी बातें राजा को बता दी कि दोनों भाइयों ने बड़े भाइयों को मारने के लिए मना कर दिया और बड़ा भाई छोटे भाइयों को मारने के लिए तैयार हो गया। सभी ने राजा को बातें सुनकर राजा को बड़ा हर्ष हुआ और बड़ा खुश हुआ कि बड़ा बेटा लालची है, इसलिए उसका नाम कुछ भी नहीं लिखा। अब तोते की सब वाहवाही करने लगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन रानी की तबीयत खराब हो गई। वो अपनी बेटी से बोली, जो 16, क्योंकि राजकुमारी 16 साल की थी, आज से तुम तोते की देखभाल करना, उसे समय से खाना देना और नहलाना ध्यान रखना। उसकी बेटी ने कहा, हाँ माताश्री, हम तोते को जो नहलाएं और उसका ध्यान रखेंगे। तो रानी चली गई। जब तोते को राजकुमारी नहला रही थी तो उसे तोते के सिर पर कुछ कटा सा महसूस हुआ। वो सोची कि तोते को कहां से कट लग गया है, अब तो माताजी को पता चलेगा तो बहुत गुस्सा करेंगी। ये सोचकर उसने वह कील जो उसके सिर में लगी हुई थी उसको निकाल दिया, जो उसके गुरुजी ने राजा को तोता बनाने के लिए लगाई थी। कील निकलते ही वह तोता एक 21 साल का जवान लड़का बन गया। राजकुमारी देखते ही डर गई और डर के जैसे ही चिल्लाने को हुई तो राजा ने उसका मुंह बंद कर दिया और कहा, तुम डरो नहीं, मैं एक राजा हूँ, कुछ कारण से जिससे कि मैं ऐसा बना हुआ हूँ। राजकुमारी बोली, मुझे बताओ वरना मैं सबको बता दूंगी। राजा बोला, अभी नहीं, अभी तुम एक कील वापस मेरे सिर में लगा दो। जब सब सो जाएंगे तब निकालना, मैं फिर सब तुम्हें सारी बातें बताऊंगा। राजकुमारी को उसकी बात सही लगी तो उसने वापस उसको तोता बना के पिंजरे में रख दिया। रात को जब सब सो गए तो राजकुमारी ने उसे फिर से लड़का बना दिया। राजा ने उससे सारी बातें राजकुमारी को बताई। अब धीरे धीरे राजकुमारी को राजकुमार पसंद आ गया, इसलिए वो उससे दोस्ती कर ली।
अब रोज राजकुमारी और राजकुमार बातें करने लगे और दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। एक दिन राजा राज दरबार में बैठा था, तभी एक जो द्वार पर लाया उन्हें एक पत्र दिया जो उनके पड़ोस के राजा ने भेजा था। राजा ने पत्र लिया और मंत्री को पढ़ने के लिए बोला। मंत्री पत्र पढ़ने लगा। मेरे प्रिय दोस्त, जैसा कि तुम जानते हो, मेरे चार पुत्र हैं। चारों को ही मैंने उत्तम शिक्षा दिलाई है। अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, इसलिए चाहता हूँ कि मेरे किसी एक पुत्र को अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहता हूँ। मेरे सभी पुत्रों जो गुणवान हैं, वीर हैं। मैं यह नहीं तय कर पा रहा हूँ कि किसको राजा बनाऊं। इसलिए मैं अपने चारों पुत्रों को तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। तुम अपनी बुद्धि से उनका परीक्षण करके जो इसका हकदार हो उसे हमें बताओ। राजा ने हर तरीके से उन चारों राजकुमारों की परीक्षण किया। सभी एक से एक बढ़कर थे। अब राजा परेशान हो गया कि कैसे क्या निर्णय ले। यहाँ तो सब अपने आप में ही बेहतरीन हैं। सब हर विषय में एक समान है। राजा ने फिर तोते को बुलवाया और सारी बात बताई तो तोता बोला, राजा एक काम कीजिए, आज रात इन्हें एक साथ एक कमरे में रहने की व्यवस्था कीजिए, दो दिन बाद मैं बताऊंगा। राजा मान गया। जब चारों राजकुमार एक साथ खाना खाने के लिए सोने गए तो आपस में बातें करने लगे। पहला राजकुमार बोला, अरे भाई, खाना खा के मजा ही आ गया, पर अगर पके धान के चावल और दही मिल गया होता तो मजा आ जाता। तोता उनके कमरे के बाहर खिड़की पर बैठा उनकी बातें सुन रहा था। तभी दूसरा राजकुमार बोला, अरे भैया, मुझे इतना कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस एक रात के लिए राजा को राजकुमारी के साथ सोना चाहता हूँ। तो तीसरा बोला, अरे बाप से, राजा ने सुन लिया तो जान से मार डालेंगे, मुझे इतना भाई कुछ नहीं अच्छा है। तीसरा कहने लगा, मैं तो चाहता हूँ कि कोई वाराणसी से बना हुआ पान खिला दे। तो चौथा बोला, भाई, मुझे इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो नींद आ जाए। कितने दिन हो गया, मैं चाहता हूँ चार बड़े ऐसे कोमल से गद्दे हों जिन पर मैं सो जाऊं। चारों अपनी बात करके सो गए। अगली सुबह तोता राजा जो राजा के पास गया और उनकी इच्छानुसार सामग्री तैयार करने को कहा। पहले तो राजा अपनी बेटी का नाम सुनकर गुस्सा होकर बोले कि इससे तुम क्या साबित करना चाहते हो। फिर वह कहने लगा, तोता, क्या आप मेरे ऊपर विश्वास रखें। और वह राजा जो मान गया कि राजा तोता की बुद्धिमता का कायल था। रात को उनकी इच्छानुसार किया गया, सब बहुत खुश हुए। अगले रात को सुबह तोता उनके घर की खिड़की पर बैठ गया और उनकी बातें सुनने लगा। पहला राजकुमार बोला, क्या यार राजा कैसा है, मुझे दही खिला दिया, दही एक दूध का नहीं था। तो दूसरे ने कहा, तुम्हें पता है रात को मैं साइड सोकर जो मैंने गुजार दी क्योंकि राजा की लड़की से मुझे तेली के जैसी बदबू आ रही थी। तीसरा बोला, अरे यार, ये तो छोड़, मेरी तो जो बात ही नहीं बनी, जो राजा है उसने मेरी इच्छा पूरी नहीं की, मुझे तो बासी पान खिला दिया। चौथा बोला अपनी पीठ दिखाते हुए कि तुम सबको अपनी अपनी पड़ी है, देखो मेरी पूरी पीठ छिल गई है, गड्ढे के नीचे बाल था, शायद उसी से मेरी पीठ छिल गई है। राजा ने दही। जब तोता ने जाकर राजा को सारी बातें बताई तो राजा ने दही जमाने वाली को बुलाया और पूछा तो वो बोली, मुझे माफ कर दीजिए राजा जी, आज उस समय मैं अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, मेरे थन से निकलकर एक दूध की बूंद गिर गई। फिर राजा रानी के पास गया और उससे पूछा तो
रानी बोली, जब मैं यहाँ से निकल रही थी जब मेरी राजकुमारी तो मंत्री जी जो सामने आ गए, क्योंकि मंत्री जी जात के तेली हैं तो अक्सर हमें घर आते जाते रहते हैं हमारे, जिससे उनकी परछाई राजकुमारी पर पड़ गई। फिर राजा ने पनिहारी को बुलाया और जो पान वाली थी उससे बोला, महाराज इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मैं तो उसी दिन के पत्ते का पान बनाया था, इसमें पान का पत्ता लाने वाले का दोष है। राजा ने उसे बुलाया तो वो बोला, महाराज पत्ता तो उसी दिन तोड़े थे लेकिन सफर दूर होने के कारण अगले दिन पहुँचे हैं। इसके बाद राजा उस घर में गया जहाँ चौथा राजकुमार सोया हुआ था और उस पर बिछे गद्दे को बहुत बारीकी से देखा तो पाया कि सबसे नीचे वाले गद्दे में एक बाल लगा है। राजा ने तोते से कहा कि अब क्या किया जाए, तो तोते ने कहा, चौथे राजकुमार को राजा घोषित कर दें। राजा बोले, ऐसा क्यों? तो तोते ने कहा कि देखो, राजा सा पहले ना कहकर दूसरे ने सूंघकर और तीसरे ने चबाकर बताया। इधर साधु ने राजा की रानियों को नाच गाना सिखा दिया तो वह उसमें बिल्कुल पारंगत हो गई, तो वह अब साधु के साथ राजा सोंगा बोलकर दरबार में आ गई और कहा, महाराज हम आपको अपनी कलाकारी दिखाना चाहते हैं, हमें इजाजत दीजिए। राजा ने इजाजत दे दी, सभी रानियां और वो साधु नाच गाना करने लगे। इधर तोते को जब पता चला तो वो समझ गया, इसलिए राजकुमारी को उसने अपने पास बुलाया और बोला, राजकुमारी आपके पिता के दरबार में जो आए हैं वो वही साधु और रानी हैं जो मुझे मारना चाहते हैं। वो अपनी कला के आपके पिता को प्रसन्न करके मुझे मांगेंगे। राजकुमारी बोली, नहीं मैं बिल्कुल तुम्हें नहीं दूंगी। तब तक तोता कहने लगा, आपको देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप पिता की बात का मान नहीं रखोगी तो जग हंसाई होगी। राजकुमारी बोली कि ठीक है, नहीं मैं तुम्हें नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए पर मैं आपको किसी भी कीमत पर नहीं दूंगी, क्योंकि मैं आपके बिना नहीं रह सकती। राजकुमार बोला, यही हाल मेरा भी है। राजकुमारी, परंतु तुम चिंता मत करो, जब राजा तुमसे हमें मांगेंगे तो तुम पहले मना कर देना, लेकिन जब गुस्से में मांगेंगे तो तुम भी गुस्से में मेरा पिंजरा आंगन में फेंक देना। मैं अपनी जान बचा लूंगा, क्योंकि मेरे गुरुदेव ने मुझे बहुत सी विद्याएं सिखाई हुई हैं। वही बात हुई जब नाच गान से साधु और रानियों ने राजा को खुश किया तो राजा बोले, कहो क्या चाहिए। तो रानी बोली, महाराज मुझे तो वो तोता चाहिए जो आपके राजमहल में रहता है। राजा बोले, अरे कैसी छोटी सी चीज मांग रहे हो, कहो। सोना चांदी से तुम्हें तोल दूं। तोता तो बहुत ही कम पैसे का है। साधु बोला, नहीं महाराज हमें बस वही चाहिए। राजा बोले, ठीक है। उसने अपने दरबारी को आदेश दिया कि जाओ राजमहल में से तोता लेकर आओ। दरबारी चला गया। जब वो महल में पहुंचा तो राजकुमारी से तोता को मांगा तो उसने मना कर दिया और कहा, जाओ हमारे पिताश्री को हमारे पास भेज दो। राजा अपनी लड़की के पास राजमहल में गया और उनके पीछे पीछे रानी और साधु और जो वे भी पहुंच गए। राजा ने राजकुमारी से पिंजरा मांगा तो पहले तो वो मना कर दी, पर जब राजा उस पर गुस्सा हुए तो उसने भी गुस्से में पिंजरे को आंगन में फेंक दिया। उसके 35 तोता सरसों का दाना बन गया और पूरे आंगन में बिखर गया। तभी साधु कबूतर बनकर उन दानों को चुगने लगा, लेकिन एक दाना पास की नाली में चला गया जिसमें राजा के प्राण थे। कबूतर बन साधु ने उसे भी चुगने की सोची। जैसे ही उधर गए हुए दाने को चुगने के लिए झुका तो तोता सरसों के सरसों से बाज बन गया और वहीं कबूतर बने साधु को मार दिया।
ये सब देखकर रानियां भाग खड़ी हुई। राजा सुग्गा के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। यहाँ तक कि राजा बेहोश हो गया और उन्हें उनके कमरे में ले जाया गया। बाजवा प्रस्तोता बनकर पिंजड़े में बैठ गया। जब राजा को होश आया तो राजकुमारी ने तोते को जो पिंजरे सहित अपने कमरे में बुलाया और राजकुमारी से बोले कि सच सच बताओ ये सब क्या है। राजकुमारी बोली, पिताजी इससे पहले मैं आपको बताऊं, आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। राजा ने कहा, ठीक है फिर दिखाओ। तो राजकुमारी ने तोते के पिंजरे से बाहर निकालकर उसके सर से कील निकाल दी। कील निकलते ही राजा जो तोता था वो एक सुंदर राजकुमार में परिवर्तन हो गया। तब तो राजा को और आश्चर्य हुआ। उन्होंने तोते से जो सारा माजरा पूछा तो राजा ने शुरू से अंत तक की सारी कहानी राजा को बता दी। राजा बोले, तो अब क्या करना चाहिए, क्योंकि शादी तो जो साधु था वह तो मर चुका है। साधु का बिना ये रानियां तुम्हारी कुछ नहीं कर पाएंगी। वो बोला, महाराज मैं जानता हूँ वो मेरा कुछ नहीं कर सकती, लेकिन अब मैं इनको अपने साथ नहीं रखना चाहता। अब मैं आपकी पुत्री से प्रेम करता हूँ और वो मुझसे अगर आप इजाजत दें तो हम दोनों शादी कर लें और उसके बाद मैं इन्हें लेकर अपने राज्य लौट जाऊंगा। राजा कुछ बोलने को हुआ उससे पहले ही राजकुमारी बोली, पिताजी मैं भी इनसे बहुत प्रेम करती हूँ। अगर इनके साथ शादी नहीं हुई तो मैं किसी के साथ शादी नहीं करूँगी। तब रानी बोली, महाराज हमारी पुत्री को इतना साहसी और बुद्धिमान लड़का मिला, ये तो हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। हमें इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना चाहिए। राजा बोला, अरे हमें भी कोई कुछ बोलने दे, हमें ये प्रस्ताव मंजूर है। कल ही राजपुरोहित को बुलाकर यह जो शादी का दिन पक्का करता हूँ। राजा ने राजपुरोहित को बुलाकर शादी का दिन पक्का कर दिया और राजकुमार के साथ राजकुमारी का विवाह कर दिया। राजा अपनी रानी को लेकर अपने देश लौट आया। खबर सुनते ही रानियां रुपया पैसा गहना लेकर भागने लगी तो राजा ने अपने सैनिकों से उन्हें पकड़वाया और उन्हें जो कालकोठरी में डाल दिया तो और उन्हें जो जिंदगी भर उम्र कैद की सजा सुना दी। अगर ये भागने की कोशिश करें तो राजा ने कहा कि इनकी आंखें निकालकर इन्हें चील कौवों को खिला दिया जाए। दोस्तों, धन्य है विद्या, धन्य है नारी, पति मारने को बनी लाचारी। जिस कुएं में सबको मारा दो, इनकी भी उसी को बलिहारी। इसलिए जब रानी बाज नहीं आई तो सैनिकों ने सातों रानियों को उसी कुएं में गिरा दिया जिसमें रानी और साधु थे। रानी ने जो रानी और साधु ने कितनों को मौत के घाट उतारा था, उनकी बात जिनको भी पता चलती थी उन्हीं को उस कुएं में मारकर डाल देते थे। उस कुएं को बंद कर दिया गया और उस कुटिया को भी उजाड़ दिया गया। इसके बाद राजा रानी आराम से एक दूसरे के साथ रहने लगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।